है आ गई है आप मैदान क्रमांक चार मैदान क्रमांक चार पर होने वाला है आवाज को मजबूत की जाए तो पहला मैच जैसा कि सभी दर्शकों को मालूम है कि कमरों की टीम है पूर्व की विजेता टीम है और इस मैदान पर जोर दिखाने के लिए यहाँ पर आई है आ गई है भैया वहाँ पर मैदान के वहाँ क्या होते हैं निश्चित रूप से काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला होने वाला है और जिसे देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक है। आवाज बहुत तेज है और खिलाड़ी यहाँ पर जोश में है तो मेरे ख्याल से साउंड को कम कर दिया जाए, थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। और खैर रेड्डी की टीम के लिए ये अंतिम पुकार है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये अंतिम पुकार है। सबसे पहले किट ले जाने वाली टीम है खैर रेड्डी की, अभी तक मैदान में नहीं पहुंची है। मैदान क्रमांक रुक गया एक पर कहां थे मैदान क्रमांक चार पर खैर रेड्डी 20 रुपए नहीं रखे चिल्लर नहीं तो काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की संभावना है क्योंकि कमरो और नौरो सेवा के बीच दो ही टीमें जो है काफी जरूरत करती हुई और जैसा कि सभी को मालूम है कि जोश खरोश उमंग और उत्साह लड़ने की क्षमता आत्मविश्वास जो कबड्डी में बेलौदी के मध्य मैच खेला जाएगा मैदान क्रमांक तीन में इंद्रा बेलौदी खैर जीटी हमारे सभी अतिथिगण वापस जा रहे हैं तो कृपया जितने भी यहाँ पर फ्रेंडशिप सदस्य हैं उन्हें स्वागत के साथ हेलो पंकज अपने अतिथियों को बीच मैदान नंबर चार तीन पर ले आवे ताकि अतिथि जो पूर्व हमारे अतिथि थे वे खिलाड़ियों का पर्चा ले सके। शीघ्र करें पंकज नायक खैर रेड्डी की टीम को बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, काफी अनुशासन दिखता है यहाँ पर। खैर रेड्डी सबसे पहले आपको किट प्रदान किया गया है, आप मैदान क्रमांक चार में अपने प्रतिनिधि दीजिए। खैर रेड्डी के कप्तान यहाँ से संपर्क करके गए हैं, तुरंत जा रहे हैं तो उसके बाद भी आप यहीं पे तो अभी कप्तान नहीं लगी है। निश्चित रूप से कुछ शंका उत्पन्न हो रही बाबत है सबके सदस्यों को, उसी की पांच मिनट के अंदर आप मैदान पर प्रवेश करने जा रहे हैं ताकि जो व्यवस्था बनी हुई है हमारी उस व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मैच इधर से उधर हुआ टाइमिंग गड़बड़ हुई तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमको 10 से 11 12 1 बजे तक मैच को कराना पड़ता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि अतिथि की टीम के कप्तान हो या फिर कोई खिलाड़ी हो तो उनको सूचना वहाँ पर हरीश को दे दे और कब प्रवेश कर रहे हैं इसी निश्चित रूप से समय की जानकारी दे रहे हैं। मैदान क्रमांक चार में सेनावाटा वर्सेस सेमरा भी ध्यान देंगे दोनों टीम सेनावाटा वर्सेस सेमरा भी मैदान क्रमांक चार में ऑफिसर वहां पर खेल रहा है सेमरा की टीम को वहां बिठा लीजिए अभी बिठा लीजिए और मैदान क्रमांक चार में सेमरा भी वर्सेस सेनावाटा
और मैदान के पद वहाँ दोनों टीम तुरंत मैदान में प्रवेश करें। हेलो मैदान क्रमांक 4 पर सीधा बांटा अभी देखिए वहाँ पर ओपी में कौन कौन सी टीम प्रवेश कर गई है। अभी रामायण में गेप खोजने मजा नहीं होगा रामायण को आगे सीधा फाटा बढ़ते सेमरा भी थे सेमरा भी वर्षे सेना फाटा पूछो ना आप पूछोगे तब बोटी क्या रही रेड कलर में सेना फाटा और सेमरा भी सेना फाटा मैं बोलूंगा तब हाथ उठाना सेना फाटा आ गई ओके सेमरा भी सेमरा भी वो देखो हाथ उठा रहे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे यस दोनों टीमें बीच मैच शुरू करा है मैच सबसे लास्ट में 12 बजे होगा और तो नहीं दिक्कत करिया करिया हो गए और खैर जीटी के कप्तान या कोई खिलाड़ी होंगे तो तत्काल मन से संपर्क करें। खैर जीटी है ये जर्सी नंबर 10 मैदान क्रमांक 4 पर सेवरा बी वर्सेस काटल बोर्ड आना चाहिए एक घंटा जो भी बच्चे एलईडी के ऊपर में खड़े हैं एलईडी के ऊपर छत पर खड़े हैं वे नीचे आ जाएं एलईडी के ऊपर मैदान क्रमांक 4 पर सेमरा बी वर्सेस सेना फाटा के बीच मैच प्रारंभ होने जा रहा है। इस मैच के अतिथि होंगे आदरणीय श्री संतोष भाई जी एडवोकेट श्री जितेंद्र परमार जी श्री विनोदी और कुंडला के बीच काफी भीड़ लोग खरीद वाले हैं लेकिन तकनीकी रूप से मुझे मुझे लगता है कि वे थोड़े से कमजोर हैं और हरिद्वार के टीम के बच्चे बहुत ही अच्छा खेल कर रहे हैं। संघर्ष वाला मुकाबला होगा जो कबड्डी के लिए महत्वपूर्ण जब तक दर्शक संघर्ष के साथ खेल यहाँ पर टक्कर का बहुत ही अच्छा मुकाबला पहला मुकाबला है जो कि संघर्ष पूर्ण बराबरी का मुकाबला है और कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है ऐसी संभावना के साथ यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं वो निश्चित रूप से मैदान पर दो पक्ष आना चाहेंगे इस संघर्ष पूर्ण हाफ टाइम के बाद में जो होने वाला है उसे देखने के लिए बड़े यहाँ पर मैदान पर चार पर जो प्रारंभ हुआ है वो भी शुरुआती है जो देख रहे हैं मैं इसको आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति है। भैया मैदान क्रमांक 1 में जो दूसरा मैच होना है वो अपनी प्रारंभिक तैयारी कर लें। मैदान क्रमांक 1 में मैच होगा इस मैच के तुरंत पश्चात देवरी वर्सेस हरदी। मैदान क्रमांक 1 में इस मैच के तुरंत पश्चात होना है देवरी वर्सेस हरदी। मैदान क्रमांक 2 में सिलौटी वर्सेस मोरेगा। मैदान क्रमांक 3 में गाड़ाली वर्सेस गिरौ। क्रमांक 2 मोरेगा वर्सेस सिलौटी। मैदान क्रमांक 3 पर गिरौ वर्सेस गाड़ाली। मैदान क्रमांक 4 पर गाड़ाली वर्सेस रावणगुड़ा वर्सेस चार भाटा।
और जो टीमें अभी नहीं पहुंची है, अगर आ गई है उसकी कोई भी सदस्य आ गए उनके दो चार, तो तत्काल आप अपने आने की जानकारी मंच में देवे। केदार वाटर और जो कैमरा बी के बीच मैच करा जा रहा है, वो भी जो आप ही दौर पर ऐसा लग रहा है कि कैमरा बी जा रही है, केदार वाटर ने घाटा नहीं हो रहा है, तो दो टीमों में ऐसा मैच ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैदान नंबर दो पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है और दर्शक वही खींचे चले जाएंगे, यही मैं आशा करता हूँ, क्योंकि तीन मैदान है जिसमें थोड़ा सा रुझान आप मेरा ठीक है ज्यादा प्रति बीच का बराबरी की स्थिति वहाँ। मैदान क्रमांक एक पर कमरौज और सेवरा सी के बीच जो मैच खेला जा रहा है, कमरौज ने अब तक 36 अंक अपनी टीम के लिए बटोर लिए हैं, जबकि सेवरा सी 11 अंक के साथ पीछे चल रही है और कमरौज ने 3 बार पार्टी साफ करके बोनस अंक लिया हुआ है। कमरौज की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, बीते वर्ष फाइनल विनर रहे हैं कमरौज की टीम और उन्हीं की अपेक्षाओं के साथ वे दर्शकों की अपेक्षाओं के साथ वे अभी अपना मैच अच्छी शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैदान नंबर जो खेला जा रहा है पूछना जाना चाहूँगा कि क्या पिछले टूर्नामेंट में कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाली टीम के 24 अंक हो और विरोधी टीम यानी विपक्षी टीम ने अपना खाता नहीं खोला है, कि ऐसा कभी क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी मैं करना चाहूँगा। तो जिसके ऊपर से बिल्कुल एक तरह और मंद और निराशा भरा एक मैच चल रहा है जिसकी कल्पना यहाँ शायद सामने वाले विरोधी टीम ने की नहीं की थी। 35 अंक हो चुके हैं और 35 अंक हो चुके हैं, बोनस पॉइंट बहुत हो चुका है और विरोधी की टीम ने एक भी अंक नहीं अर्जित किए हैं, तो शायद मेरे ख्याल से पहला प्रतियोगिता जो साथ चलने वाला पहला मैच है उसमें ये टूर्नामेंट का पहला मैच है जिसकी वजह ध्यान देंगे जगेंद्र ढाबे भी यहाँ ऊपर में जो आई है वो देखेंगे जो ट्रीटमेंट हो सकता है प्राइवेट ट्रीटमेंट करेंगे और इसके लिए हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा किसी खिलाड़ी को जिस तरीके से अगर कहीं पे कोई घटना होती है तो उसका हमको भरपूर साथ देना है, हमारा कर्तव्य होता है। रिकॉर्ड संभाल के दिखाओ बताओ सकते सामने वाली टीम के अंक हैं 42 इसने आपने साहस दिखाकर अच्छा प्रदर्शन किया। बात तो सही है लेकिन साहस का बच्चे भी तो दिया जाना चाहिए, सामने वाली टीम अंक सड़क की ओर है और आपने कभी कभी होता है जिया 10 विकेट भी 9 विकेट भी 1 रन 2 रन 5 रन में हो गया है, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, कबड्डी है ये और रोमांचक खेल है। निश्चित रूप से द्वारा द्वारा दिया गया जूस ये काम आएगा बिलोटा तो कम से कम फोन कर जाएंगे प्रतियोगिता में। वीरू मैदान नंबर एक पर शायद मैच है, मैदान नंबर दो पर तो दोनों से जानकारी मैदान नंबर एक पर भी कमरौज 44 अंक अर्जित कर लिए जबकि सेवरा सी 16 32 अंकों से पीछे है। कमरौज यहां पर उत्कृष्ट उम्दा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और अपने लय को बरकरार रखी है, पूरे जोश के साथ उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है कि वे अपने पूर्वी दिवस से जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी उस जीत की लय को बरकरार रखने के लिए आज पहला मैच का पहला जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने पहले नंबर के मैदान पर किया है। एक झलमाचे वो आलोक का रहूं
हेलो इस मैदान में तीन पर जो चार पर जो मुकाबला खेला जा रहा है बच्चों को कृष्णा और हरीश तिवारी की सेना माता की टीम ने भी इस मैदान पर खाता नहीं हुआ है और वहां पर सेना बी की टीम ने 27 रन अर्जित कर लिए हैं। तो निश्चित रूप से ये बैलगाड़ी और इनोवा कार के स्थिति में दोनों टीमें चल रही है, मुझे तो लगता है कि ये भी मैच बिल्कुल एक तरफा होगा और जिसके जो दोनों मैच खेले जा रहे हैं वो एक तरफा साबित हो रहा है और आगे भी तो मैदान एक नंबर दो पर है, काफी मुकाबला हो कांग्रेस गौरव की टीम की तारीफ की जानी चाहिए।